अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज़ेरे नज़र वीडियो में आप जो चीज़ देख रहे हैं ये है जैतून। जैतून का जो तेल है वो बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, और वैसे भी जैतून को कहते हैं कि दुआ होती है। ये सब्ज़ रंग में भी है, ये कच्चा होता है जो उसको भी सेव कर लिया जाता है, सब्ज़ रंग में है। इसका अचार भी बनता है और बहुत सी चीज़ों में जैतून का जो ऑयल है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अचार दोस्तों इस किस्म के होते हैं, ये देखिए रेड रेड पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। और चलिए अभी मुझे देखिए, जी तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो फ़ीमेल के लिए खसूसन बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये ज़्यादातर जो है फ़ीमेल से रिलेटेड हैं। यहाँ की करेंसी के हिसाब से चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं दोस्तों, लेकिन अगर हम इन्हीं को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी सबके लिए क्योंकि यहाँ के हिसाब से तो काफ़ी सस्ती हैं ये, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो बहुत महंगी पड़ती हैं। हर ब्रांड के जो हैं चीज़ें वो अलग अलग पड़ी हुई हैं, सैकड़ों के हिसाब से। ये क्लियर शैम्पू है और आगे लेक्स का जो ब्रांड है, इसका लोशन और ये क्रीमें और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो ये आता भी नहीं है। फीमेल के इस्तेमाल की चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं, ये पूरे पूरे ऐसे कार्टन बने हुए हैं 14 रियाल 14 रियाल 17 रियाल में। और उससे आगे आ गई है जी बच्चों की चॉइस। बच्चों की चॉइस में देख लीजिए कि क्या क्या है। ये कार्टून वाले जूते मुझे बड़े पसंद आए हैं, लेकिन मैं इनको पहन भी नहीं सकता, मेरे को छोटे हैं ये। बच्चे कोई होते ना अगर तो फिर उनकी ईद हो जाती। और बालू देखिए कितना प्यारा है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। और आगे चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक जो है ना पड़ी हुई है, मैंने वहाँ से देखी थी, ये देखिए ये जो जूता है ना, देखिए कैसा लग रहा है इसके ऊपर, ये बड़ा मज़े का बना हुआ है ये फूल सा। कभी कभी वो जो गार्ड खड़ा होता है ना उसकी टोपी के ऊपर इस तरह की चीज़ होती है। ये बड़ी मुझे अट्रैक्टिव लगी, बच्चे बड़े खुश होते हैं इसको पहन के। तो ये बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हमारे गांव के बच्चे जो है ना वो पहनेंगे तो बस एक घंटे के अंदर ये फारिग हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों के कुछ ड्रेस हैं और ये ग्लव्स मुझे बड़े प्यारे लगे, इनके ऊपर भी बालू बना हुआ है। ये देखो छोटे बच्चे के ग्लव्स हैं, छोटे छोटे बालू इनके ऊपर बने हुए हैं, फूल वगैरह बने हुए हैं। और सस्ते और म्यारी जो है ना कपड़े हैं यहाँ पे सर्दियों के लिए, बच्चों के जो है ना अच्छे अच्छे ब्रांड लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप के कितने प्यारे कलर हैं इनके, और 10-10, 20-20 रियाल में ऐसे यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ की करेंसी के हिसाब से। वहाँ का आप हिसाब लगाएंगे तो उसमें तो आपको तकरीबन ये महंगे पड़ेंगे। ये अलजुबेल का जो पांडा मार्केट है ये उसका है। यहाँ पर क्या है जी, ये देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ें हैं। जो जो बंदा समझ जाए ना उसने मुझे बताना है, मुझे तो कोई ये जो होता है ना मिक्स फ्रूट, और ये मक्खन पड़ा हुआ है थोड़ा सा येलो येलो जो है आगे की तरफ, और रेड रेड पता नहीं क्या है ये चीज़, आई डोंट नो क्या था। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों शैम्पू के ब्रांड हैं, हेड एंड शोल्डर है, और पता नहीं कौन कौन से भाई क्या क्या कंपनी है, दुनिया जहान की जो है ना कंपनी, शैम्पू लोशन ये वो। लेक्स का मैंने पहले एक आपको ब्रांड उसमें दिखाया, वो कोई और चीज़ थी, ये पता नहीं क्या चीज़ है आप देख सकते हैं। ये मुझे भी आइडिया नहीं है, जो भी फीमेल होगी वो इनको पहचान जाएंगी ये क्या चीज़ है। कुछ लोशन हैं, कुछ शैम्पू हैं, मुझे तो यही लग रहा है अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो। ये है साबुन, साबुन होता है डव, यहाँ पे डव साबुन बड़ा मशहूर है, आपने बताना है पाकिस्तान में पता नहीं कौन सा मशहूर है। ये लोशन भी डव का है, साबुन भी है, और आगे ये पता नहीं क्या चीज़ है। यहाँ पर है फ़िश दोस्तों, ये फ़िश जो है बर्फ़ के अंदर सोई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़िंदा भी है यहाँ पे तैर रही है बिल्कुल जो है ना मज़े से, बहुत मज़े से तैरती फिरती भी आपको नज़र आएगी लास्ट में, वहाँ आगे लास्ट में जो है ना तैर रही है।
में, वो भी आपके दिखाता हूँ। वीडियो का पार्ट जो है वो लंबा हो जाएगा, मज़ीद वीडियो जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर और बहुत काम की चीज़ें हैं, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसका फ़िलहाल जो इस वीडियो का पार्ट है वो मैं क्लोज़ करता हूँ। आपने दुआओं में याद रखना है, ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।